दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह के यूट्यूबर हैं या यूट्यूब पर वीडियो बनाना पसंद करते हैं या इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं या अभी लॉकडाउन वगैरह में आपने कोई ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट की है जहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो आपको भी दो तीन बेसिक चीज़ों की जरूरत पड़ती होगी। वो है पहला मोबाइल, जिससे आप वीडियो रिकॉर्ड करके अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। दूसरी जो जरूरत पड़ती है वो होती है ट्राइपॉड की, और तीसरी होती है लाइटिंग की। इन छोटे मोटे बेसिक्स आइटम्स के साथ अपना आप चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। ज़्यादा आपको खर्च भी ना करना पड़े, क्योंकि अभी जब शुरुआत आपने किया है तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च ना करना पड़े। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक ट्राइपॉड लेकर के आया हूँ, बजट ट्राइपॉड है। अगर आप अपने कोई चैनल अपने स्टार्ट किया है तो आपको एक सस्ता ट्राइपॉड की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि ट्राइपॉड होने से बेनिफिट ये होता है कि आपका जो वीडियो बनता है काफ़ी स्टेबल बनता है। अब हमारा चैनल नया है अगर, तो हमें ज़्यादा पैसे न खर्च करने पड़े, तो हमें ये सर्च रहता है कि हमें एक अच्छा ट्राइपॉड मिल जाए। तो अच्छा ट्राइपॉड का मतलब कितने बजट तक, तो बताना चाहूँगा 800 रुपये में ये ट्राइपॉड है, और बहुत सर्च करने के बाद ये ट्राइपॉड मुझे मिला है। और ये वीडियो बनाने का पीछे पीछे जो पर्पज़ है आप लोगों के लिए है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ट्राइपॉड है, मैं चैनल पे काफ़ी दिनों से वर्क कर रहा हूँ, बट जो नए क्रिएटर हैं उनकी हेल्प कैसे कैसे हो सके, उनको क्या सामान लेना है, क्या कुछ लेने चाहिए। चैनल पे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ों से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल होना चाहिए, ट्राइपॉड होना चाहिए। ट्राइपॉड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप दूसरे की मदद हमेशा नहीं ले सकते हो। कोई भी चीज़ अगर आपको इंडिविजुअल शूटिंग करनी है, रात में शूटिंग करते हैं, रात में पढ़ाते हैं, तो ट्राइपॉड होना जरूरी है। तो ये बजट ट्राइपॉड है, 800 रुपये में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। और 800 रुपये के प्राइस रेंज में इससे बेटर मुझे कोई दूसरा ट्राइपॉड नहीं लगा। इसके अलावा एक और आता है अमेजॉन बेसिक का आता है वो, बट ये उससे क्यों अच्छा है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दूँ कि इस तरीके के बॉक्स में आया है, और जाहिर सी बात है कि अमेजॉन के थ्रू मैंने ऑर्डर किया है, तो अमेजॉन का ये आप देख सकते हैं रैपर में लगा हुआ है। तो इसको हम खोल लेते हैं सबसे पहले। तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले इसको हम अनरैप कर लेते हैं, उसका बॉक्स कैसा है वो दिखाता हूँ आपको। तो ये बिल वगैरह है, इसको मैं किनारे कर देता हूँ, बिल यदि जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता ही दिया कि 800 रुपये का ये आ जाएगा। तो इस तरीके के बॉक्स में ही आएगा, मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए इसका मॉडल नेम यहाँ पे लिखा होगा, 3366S ट्राइपॉड, और ये टाइगॉट कंपनी की तरफ से आता है। अगर नाम आपको देखना है तो मैं नाम यहाँ से दिखा दूंगा आपको, यहाँ टाइगॉट लिखा हुआ है, टाइगॉट कंपनी की तरफ से ये आता है। और इस तरीके का इसका पैकेट है, इस तरीके का इसका बॉक्स है। हालांकि बॉक्स की जो पैकेजिंग है, बॉक्स काफी अच्छा तो नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि ये जहां से भी आया है सही तरीके से लूज काफी बॉक्स है। फिर भी मैं देखता हूँ कि अंदर ट्राइपॉड की क्या स्थिति है, और इसको हम खोल लेते हैं। और खोलने के बाद क्या मिलता है दिखाना चाहूंगा। हाँ, इसके साथ आपको मोबाइल होल्डर भी मिल जाएगा, अगर आप कोई दूसरी कंपनी का लेते हो तो उसके साथ आपको मोबाइल होल्डर नहीं मिलेगा। और यदि अगर आप अलग से परचेस करोगे तो लगभग 100 से 150 रुपए के बीच में ये आता है। तो और कुछ भी नहीं है बॉक्स में, बॉक्स में रखते हैं किनारे, और इस तरीके के पैकेजिंग में आता है। मतलब इसको अगर आप कैरी करना चाहो तो आराम से कैरी भी कर सकते हो इस तरीके से। तो ठीक है, पाउच तो काफी अच्छा दिया है कंपनी ने। और अब इसको ओपन करके मेन का जो ट्राइपॉड है वो देख लेते हैं कैसा है। तो ये देखिए, ये इसका पैकेट है, इसको भी हम करते हैं किनारे अभी। और इसके बाद ये पॉलीथीन में पैक होकर के इस तरीके से आया हुआ है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और देखते हैं कि हमारा ट्राइपॉड कहीं से कोई डैमेज तो नहीं है, क्योंकि हमने ऑनलाइन इसको परचेज किया है। और 800 रुपये का है तो हमारे लिए 800 रुपये बहुत कीमती है, क्योंकि हमें एक सस्ता ट्राइपॉड अगर लेना है तो मुझे पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इसको भी कर लेते हैं बाहर, जरा निकाल लेते हैं और दिखाते हैं ये क्या है, कैसे है। तो ये इसका है मोबाइल होल्डर। ये मोबाइल होल्डर अच्छा क्यों होता है, क्योंकि जो तार वाले आते हैं उससे क्या होता है, मोबाइल आपका डैमेज हो सकता है। तो ये क्या है, आराम से ऊपर हो जाता है, मोबाइल यहाँ आप रखो, मोबाइल की सहायता से इसको ऊपर करके इसमें फंसा दो, उसको किनारे रखते हैं। सबसे पहले ट्राईपॉड की बात कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का ये ट्राईपॉड है, और इसमें आपको यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है। अभी हम डिटेल में इसका वीडियो देखेंगे, अभी दिखाना चाहूंगा किस तरीके से आप पकड़ के कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर आप चाहें कि स्लाइडिंग वीडियो बनाना है, मोशन वीडियो बनाना है, तो इस तरीके से आप पकड़ के इसका यूज करके बना सकते हैं। और नीचे यहाँ वेट के लिए भी दिया हुआ है। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसकी हाइट कितनी है। तो अभी जिस कंडीशन में ये ट्राइपॉड आपको दिख रहा है, इसमें दो लेग और हैं, इसके एक लेग ये हो गया, दो लेग इसके अंदर भी हैं। अभी जिस कंडीशन में है ये 1.8 फीट का है, यानी कि 50 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं कि 50 सेंटीमीटर इसकी अभी फिलहाल में हाइट है। और मैक्सिमम हाइट मैं आपको दिखाऊंगा, तब मैं डिस्कस करूंगा कि मैक्सिमम हाइट कितनी है। लगभग 4.7 फीट, यानी कि 4.5 फीट से 1 इंच ज्यादा इसकी हाइट है, कंप्लीट हाइट। और जनरली जब हम वीडियो बनाते हैं तो 2 से 3 फीट दूर रख के ट्राइपॉड बनाते हैं, तो पूरा हमें ये कैप्चर करेगा। तो चलिए अब इसका हम डिटेल देखते हैं कि डिटेल में ये कितना हाइट खुलता है, इसके सारे फंक्शन को आगे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसका समय आ गया है इसका डिटेल रिव्यू करने का और इसके फंक्शन को जानने का। तो मैं थोड़ा नजदीक से आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे एक लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, एक लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, एक लॉक यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि टोटल 1, 2 एंड 3 लॉक्स हैं।
अब इन तीनों लॉक के अलग अलग यूजर हैं और यहाँ पे एक हैंडल दिया जो कि इस तरह नीचे रहता है। इसको आप ऊपर इसलिए मैंने किया कि मुझे दिखाना था। सबसे पहले हम इसी की बात कर लेते हैं। अब अभी मैं आपको इसके लेग खोल के नहीं दिखा रहा हूँ, सबसे पहले हम इसके नेक को खोल लेते हैं, यानी कि पूरा जो इसमें लेग है तो ओपन होता ही होता है, इसका ये नेक जो है ये भी पूरा थोड़ा ऊपर होता है। तो यहाँ से इसको आप लूज़ करेंगे, जब इसका जो यूज़ है पहले मैं ये बता देता हूँ, इसको लूज़ करेंगे तो ये आपका ऑपरेट कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप इसको पकड़ करके धीरे धीरे इसको आप ऊपर की तरफ घुमाइए, आगे की तरफ क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे तो ये नेक इसका ऊपर आ जाएगा, मतलब इस ट्राइपॉड की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब ये यहाँ पे आके रुक जाएगा अभी, तो ये देखिए यहाँ रुक गया। जैसे रुक जाता है आप यहाँ से इसको टाइट कर दीजिए, ठीक है। अब ये जो ध्यान रखिएगा कि ये जो है इसी के लिए है, मतलब नेक के लिए ये यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों नेक के बीच में है ये, जहाँ पे आप हैंडल ये पकड़ते हैं यहीं पे दिया हुआ है। अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, अभी सारे नेक को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि बाकी जो इसके लॉक दिए हैं वो किस लिए दिए हुए हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, और ये देखिए काफ़ी सही क्वालिटी है, मतलब अगर 800 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छी क्वालिटी का ट्राइपॉड आपको मिलता है, क्योंकि 800 रुपये में अगर आप ट्राइपॉड सर्च कर रहे हो तो इससे बेटर आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें जो ये लेग वगैरह दिया हुआ है भी देखिए काफ़ी अच्छे क्वालिटी का दिया हुआ है, इस तरीके से रोटेट होता है जो कि आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जब इसको आप किसी सरफेस पर रखोगे। और अगर आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, कम मिलती है, तो यहाँ पे वेट लगाने के दिया हुआ है, आप कोई डेड वेट लगा सकते हो, जिससे जब और ज़्यादा वेट होगा तो वेट नीचे की तरफ होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये और स्टेबल हो जाएगा। तो चाहो तो लगाओ, चाहो तो मत लगाओ। इस तरीके से आपको मैंने दिखा दिया कि ये जो लॉक था उसका क्या यूज था। आप थोड़ा नजदीक आइए और हम आपको दिखाते हैं, नजदीक से दिखाते हैं कि बाकी जो लॉक्स हैं उनका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले इसको हम नीचे ही कर लेते हैं, इसका कोई यूज नहीं है अभी, अभी मैं आपको नीचे से ही दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से इसको आप नीचे कर लीजिए, और नीचे करने के बाद मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। आप आराम से करिए क्योंकि प्लास्टिक मटेरियल है, हालांकि स्टर्डी है, लेकिन फिर भी आप आराम से यूज़ करिएगा क्योंकि आपको लंबे समय तक ये चल जाएगा उस चीज़ से। अब इसके बारे में बात करने वाले हैं हम। तो एक लॉक यहाँ दिया हुआ है, ये लॉक मैंने आपको बता दिया। इस लॉक का कैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसको जैसे ही आप लूज़ करोगे आप इसको ऊपर कर सकते हो इस तरीके से। इसको आप किसी भी एंगल में अगर शूट करना है, जैसे सामने तरफ शूट करना है या किसी भी डायरेक्शन शूट करना हो, तो इसका यूज़ ये है, उसको आप लॉक कर दीजिए। फिलहाल तो मैंने इसका भी आपको यूज़ बता दिया। अब यहाँ पे जो ये लॉक है ये आपका काम करेगा इस तरीके से कोई भी वीडियो बनाने के लिए, मतलब अगर आप चाहते हो कोई मूवमेंट हो रहा है, कैमरे का मूव करना चाहते हो, कोई मूविंग वीडियो बनाना चाहते हो, तो मूवमेंट वाली वीडियो इस तरीके से आराम से आप कैमरे को मूव करके रोटेट करके बना सकते हो। तो इस लॉक का ये यूज है, और ये तीनों लॉक मैंने आपको बता दिए, इनको आप टाइट कर दीजिए दोबारा, 1, 2, 3 लॉक हो गया। अब ये जो हैंडल दिया हुआ है इसका भी यूज है, इसको आप अगर लूज करोगे तो इस तरीके का वीडियो भी आप शूट कर सकते हो। मगर अगर कोई आप नीचे के कोई पार्ट को दिखाना चाहते हो, कोई वीडियो नीचे आपका शूट कर रहे हो, तो इस तरीके से इसको भी आप यूज करके बता सकते हो। तो ये सारे इसके मैकेनिज्म है, इसके हेड के आपको कैसे यूज करना मैंने बता दिया। ये लॉक आपका इसके नेक के ऊपर करेगा, इस लॉक से आप स्लाइडिंग वीडियो बना पाओगे, इस लॉक से आप इसको ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे आपका वाटर लेवल दिया हुआ है जिसमें एक बबल है, उस बबल के माध्यम से आप समझ सकते हो कि हमारा स्टेबल है या नहीं है, सरफेस हमारा जिस जगह पे इसको हमने रखा है वो प्रॉपर सरफेस है कि नहीं है। तो चलिए अब इसको समझ लेते हैं कि इस पर हमें कैमरा कैसे माउंट करना है या मोबाइल कैसे माउंट करना है। तो यहाँ पे लॉक देख रहे हैं आप, फ्री लॉक लिखा हुआ है, इसको आगे की तरफ इस तरीके से अनलॉक करके अब इसको बाहर निकाल लीजिए। अब ये आपका बाहर निकल गया। अब मोबाइल इसमें आपको फिट करना है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा इसमें मोबाइल कैसे फिट होगा। तो इसके लिए हमें एक मोबाइल की जरूरत पड़ेगी, मैं मोबाइल ले लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसमें आपको मोबाइल कैसे फिट करना है। तो ये होल्डर साथ में आया था और इस पर हमें इसको फिट करना है, इसी में अपना हम मोबाइल माउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हर चाहे आपका कैमरा होगा या आपका इस तरीके का होल्डर होगा जिसमें आप मोबाइल लगाओगे, तो यहाँ पे भी दिया होता है, यहाँ पे भी दिया होता है इसको इसमें टाइट करने के लिए। तो ये देखिए काफ़ी लूज है, इस पर आपको इस तरफ से पुश करना है पहले, और यहाँ पे रख करके आप इसको आराम से पहले एक बार टाइट कर लो, थोड़ा सा टाइट कर लो, उसके बाद आप इस तरीके से इसको रख दो, इसको आप लूज़ कर लो, सबसे पहले इसको लूज़ कर लो आप, तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये जो पेस्ट दिया है उसका अगर आप लूज़ कर लेते हो तो बाहर तरफ आ जाता है। और यहाँ पे इसको आप रख लो आराम से, और इस तरीके से रख के आप इसको टाइट कर लो, इस तरीके से ये टाइट हो जाएगा इस तरीके से। अब इस तरीके से एक बार ये प्रॉपर हो जाए तो यहाँ से इसको आप टाइट कर सकते हो, ये यहाँ से धीरे से ये जो पेस्ट दिया हुआ है इसकी सहायता इसको आप टाइट कर लो। अब ये प्रॉपर तरीके से टाइट हो चुका है, अब कुछ नहीं करना है आपको, इसको बीच में रख के टाइट करिए पूरा प्रॉपर, कि जिससे आपको आपका जो इसको माउंट करिए तो प्रॉपर रहे। अभी ये आपका इस पर माउंट हो गया, अब आपको दोबारा इसको अनलॉक करना है और यहाँ पे ले जाकर इसको
फिक्स कर देना है, आपका ये रेडी हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, अब आपका ये रेडी हो गया। आप मोबाइल से वीडियो शूट करना चाहते हैं तो मैंने पहले बताया था कि ये ऊपर होता है, तो आप इस तरीके से मोबाइल रखिए, नीचे की तरफ ऐसे पुश करिए और यहाँ ला कर छोड़ दीजिए। अभी आपका हो गया माउंट। अब इस तरीके से आप कोई वीडियो शूट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपका कि आप मोबाइल कैसे इस पर माउंट करोगे। अगर मोबाइल आप माउंट नहीं करते हो, कैमरा माउंट करते हो, तो इसकी जरूरत नहीं है। ये होल्डर सिर्फ मोबाइल के लिए है, इसको आप बाहर निकाल दीजिए। जिस तरीके से मैंने इस पे इस होल्डर को टाइट किया था, उसी तरीके से कैमरे के नीचे आपका पेज बना होता है, आप उसको इस पे टाइट कर सकते हैं। मतलब जहां पे आपने होल्डर टाइट किया, वहां पे सीधे आपका कैमरा ही पूरा टाइट हो जाएगा। तो ये इस ट्राइपॉड की खासियत थी, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया। तो बस यही था बताने के लिए इस ट्राइपॉड के बारे में। और 800 रुपये इसका प्राइस है, 799 रुपये। अगर इसको आप लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस क्वालिटी का है, तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर ये पसंद आया वीडियो, अभी तक आपने जो देखा, ये वीडियो मैंने जो बनाया आप लोगों के लिए, ज़्यादा सा भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आगे भी वीडियो देखने का मौका मिलेगा। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं है इसका। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो आई होप आपको ये ट्राइपॉड अच्छा लगा होगा। और जाहिर सी बात है यार, अगर हम लोग वीडियो क्रिएटर हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हमें ट्राइपॉड की जरूरत पड़ती है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, आपका कोई एजुकेशन का चैनल है, या आप रील्स बनाते हैं, तो आपको एक छोटा मोटा ट्राइपॉड लेने की जरूरत पड़ती है। हालांकि बहुत महंगा भी नहीं ले सकते, क्योंकि चैनल भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो ये ले सकते हैं आप। और बस आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।